ब्यावर को जिला बनाने की मांग अपनी पुरजोर तरीके से मुखर हो गई है। जिले की मांग को लेकर शहर के कई कांग्रेस नेता तथा शिष्टमंडल सूबे के सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात कर ब्यावर को जिला बनाने के पक्ष में अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को विधानसभा प्रत्याशी मनोज चौहान एक शिष्टमंडल के साथ जयपुर के लिए रवाना हुए। शहर के एसडी कॉलेज प्रांगण में एकत्रित हुए सभी कांग्रेसजनों ने ब्यावर को जिला बनाने की मांग को लेकर नारे लगाए। इसके बाद सभी लोग अपने अपने वाहनों में बैठकर जयपुर के लिए कूच कर गए। दोपहर बाद शिष्टमंडल ने सीएम हाउस में सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात कर ब्यावर को जिला बनाने की मांग करते हुए इसके पक्ष में मजबूती से अपना दावा पेश किया। इस दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों ने ब्यावर को जिला बनाने की मांग को बरसों पुरानी मांग बताते हुए इसे सत्र में जिला बनाने की बात कही। शिष्टमंडल में पूर्व विधायक मानकदानी, पार्षद अब्दुल मजीद कुरेशी, राजेंद्र तुनगरिया, नरेंद्र जायसवानी, मोहन सिंह रावत सहित अन्य कांग्रेसजन शामिल थे। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत से मिले थे और उन्हें आज ब्यावर के और आसपास के जो लोग हैं, प्रतिनिधि मंडल है, उनके साथ हम मिलेंगे और जिस तरह से विगत दो दिनों से हर क्षेत्र के और हर जगह के लोग अपना प्रतिनिधिमंडल ले जाकर मिल रहे हैं, हम भी हमारी बात रखेंगे, पहले भी रखी है और मैंने जैसे पहले भी कहा, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ब्यावर जिला बनेगा और इसी सत्र में बनेगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि पूरे शिष्टमंडल के साथ आके मिलना, ये हम जितने भी हमारे जो लोग हैं ब्यावर और आसपास के, इनके साथ जाकर मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी को अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे।